है मरुधर बुलेटिन और मैं हूँ आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस वक्त मैं खड़ी हूँ शहीद स्मारक पे, जहाँ पर पटवारियों का आंदोलन लगातार जारी है। पटवारी यहाँ पर 3600 ग्रेड पे और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। कम से कम जयपुर संभाग के ही नहीं, बाकी प्रदेश भर के पटवारी यहाँ पर मौजूद है और आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं कि यहाँ पे अभी आंदोलन कहाँ तक पहुँचा है और क्या है। सर आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? राजस्थान पटवार संघ लगातार संघर्षरत है। आज हमने दांडी मार्च के उपलक्ष्य में जो राज्य सरकार ढोंग कर रही है कि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, उस ढोंग का पर्दाफाश करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आदर्शों को, जिनको लेकर के मैं 1.5 साल से संघर्षरत हूँ, राजस्थान का एक एक पटवारी गांधी जी के आदर्शों पर चल रहा है, उन्हीं के उपलक्ष्य में उन्हीं की स्मृति को ताजा करते हुए जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सविनय आंदोलन चलाया था, हम भी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ इनके आदर्शों को, जो हमारे आंदोलनों को चलने के लिए चलाए जा रहे हैं, उनके आदेशों की होलियां चलाइए। इनकी हम आज से पूर्णतः अवहेलना करेंगे, किसी भी आदेश को राजस्थान का पटवारी नहीं मानेगा। साथ ही यहाँ जहाँ जाएंगे 15 अगस्त तक जो भी कार्यक्रम देगी राज्य सरकार दांडी मार्च के उपलक्ष्य में, उन कार्यक्रमों के समान अभी हमने देखा कि आपने जो ज्ञापन था उसको जलाया, उसके बारे में बताइए। ज्ञापन नहीं जलाया मैडम, हमने ज्ञापन नहीं जलाया, हमने उस सरकार के आदेश को जलाया है जो विभिन्न कलेक्टरों ने जारी किए हैं और हमारे प्रमुख शासन सचिव राजस्व ने हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए दिए, हमारे पटवारियों पर कार्रवाई करने के लिए धमकी भरे आदेश दिए और हमारे पटवारियों के स्थलांतरण, जैसे कल बीआरएस रेवेन्यू ने आदेश निकाला कि हमारे से बड़े अधिकारी हैं वो इनका काम करेंगे, इसी प्रकार हमारे पटवारियों के स्थलांतरण अतिरिक्त पटवार मंडलों को जिनमें छोड़ दिया गया है वहां पर किए गए, हमारे पटवारियों को धमकाने के लिहाज में कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे आदेश थे, उन आदेशों के खिलाफ हमने ये रोष प्रकट किया और आदेशों की होलियां जलाई हमने। जैसा आपने अभी देखा, प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमने 15 जनवरी से अतिरिक्त सर्किल का बहिष्कार कर रखा है, तो अभी तक हम मूल सर्किल का काम कर रहे थे, तो सरकार अब मूल सर्किल से हटा के उस अतिरिक्त सर्किल का चार देना चाह रही पटवारी का ट्रांसफर करके, क्योंकि अभी इतने दिन तक मूल सर्किल का काम हो गया, अब जो बाकी जो गिरदावरी का जो भी वसूली का काम है वो अतिरिक्त सर्किल में इनका ट्रांसफर करते हैं ताकि जनता के काम हो जावे। कुछ दिनों से जो पिछले 2 महीने से जो नामांतरण नहीं हुए हैं, केसीसी नहीं बनी है, उन किसानों को राहत देने के लिए सरकार पटवारी का पटवार मंडल चेंज करी है, ये सरकार के आदेश है। फिर है कि सरकार ने दूसरा ये आदेश निकाला कि भी अगर ये अतिरिक्त सर्किल का काम नहीं कर रहे हैं तो इनकी जगह कोई इनके समकक्ष का या इनका उच्च स्तर का कोई भी कार्मिक ये काम करेगा, तो पटवारी का काम पटवारी कर सकता है, दूसरा कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, पर सरकार उलूल जुलूल आदेश निकाल के जनता से सिर्फ एक संवेदि लेने के लिए कि हम आपके साथ काम करने, मतलब आपके कोई काम रुके नहीं इसलिए हम ये आदेश निकाल रहे हैं, पटवारी खराब है, हमारी एक नेगेटिव इमेज बनाने के लिए सरकार हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए इस तरीके के गैर जिम्मेदार ना आदेश निकाल रहे हैं। इस आंदोलन करने की वजह से बहुत सारे काम रुक रहे हैं, जैसे गिरदावर की और स्थानांतरण और बहुत सारे ऐसे कार्य है जो रुक रहे हैं, अभी लोग परेशान हो रहे हैं, लोग विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निस्संदेह परेशानी होगी, आम किस जो काश्तकार है, आम जन है, जिसकी पेंशन योजना नहीं बन पा रही है, जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों को पैसा मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा है, गिरदावरी नहीं हो पा रही है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, और जब गिरदावरी नहीं हो पाएगी तो मंडी में जो किसान अपनी फसल बेचने जाता है वो पटवारी से प्रमाण पत्र लेके जाता है, जब गिरदावरी नहीं हो पाएगी तो किसान अपनी मंडी में फसल नहीं बेच पाएगा, तो इस तरीके के कई आज कोई आपातकालीन घटना होती है तो पटवारी मौका पर्चा बनाता है, उसके साथ उस मौके पर्चे के कारण ही जिसका जो साथ दुर्घटना घटती है उसको मुख्यमंत्री सहायता को से सहायता मिलती है, जब पटवारी उस हल्के का काम नहीं करेगा तो वो आदमी उससे वंचित रह जाएगा, कहीं आग लग गई है, किसी का चारा जल गया हो, किसी के साथ दुर्घटना में एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई हो, तो ये सारे जो काम है वो रुके हुए हैं और ये आमजन और ये आम जो किसान है उनको नुकसान हो रहा है। सरकार ने अभी तक कोई सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं की, कुछ ऐसा चीजें जो आपको मतलब सहमति आप उस पे डाल सकते हो? महज औपचारिकता कर रही है सरकार, हमारी एक ही मांग है कि आज तक पटवारी जो है अपने ग्रेड पे सुधारने के लिए लड़ रहा है और सरकार उस ग्रेड पे से बात नहीं करके दूसरी मुद्दों पर बात करना चाह रही है, जो पटवार संघ को कतई मंजूर नहीं है। आप ग्रेड पे की बात करिए, आप ग्रेड पे बढ़ाइए, पटवार संघ मानने को तैयार है, आप दूसरे कोई हमें प्रस्ताव देंगे जिसको जो पटवारी उसके लिए लड़ ही नहीं रहा है, और जो मुख्य मांग है, जो लड़ाई है हमारी, जो हमारी पीड़ा है उसको समझाओ, पटवार संघ आंदोलन खत्म कर देगा। अभी यहाँ पर कौन से संभाग का पटवारी संघ आया है? आज संभागवार नहीं, आज जिले वाइज जो धरना चल रहा है इसमें अजमेर और भीलवाड़ा जिला यहाँ पर शामिल है और दोनों जिलों के समस्त पटवारी है। हमारा अभी पहले हमारा संभागवार था, उसके बाद जिले वाइज चल रहा है और जिले वाइज में आज अजमेर और भीलवाड़ा जिला शामिल है इस धरने में। आगे की आपकी इस आंदोलन को लेकर क्या योजना है, कब तक ये चलता रहेगा? जब तक ग्रेड पे 3600 नहीं की जाएगी राजस्थान का पटवारी आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा और इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन,
जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन के तहत हम सरकारी आदेशों की पालना नहीं करेंगे, जो भी सरकार आदेश निकालेगी उनकी आज हमने होली जलाई है। तो ऐसे करके इस आंदोलन को जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये कंटिन्यू चलेगा और कहीं एक ऐसा पड़ाव आएगा जब हमें संपूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आपने अभी पैन डाउन भी कर रखा है वर्क को, बिल्कुल ही बाइकआउट कर रखा है वर्क को, तो उसको लेकर आप लोगों को परेशानियां नहीं हो रही? हमें तो परेशान तो है ही ना, हम पिछले कितने सालों से परेशान हो रहे हैं कि पटवारी का जो ग्रेड पे जो हमारे समकक्ष है उनसे कई गुना आगे निकल चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि उनका काम कर दीजिए, चलो कर्मचारी है, हम कर्मचारी है तो हम कर्मचारी हित की बात करेंगे, पर जो पटवार संघ के साथ जो गलत हुआ है उसका तो सुधार करना पड़ेगा सरकार को, कि वास्तव में जब सबसे ज़्यादा काम करता है पटवारी करता है तो क्यों नहीं उसकी ग्रेड पे सुधार कर उसका कैडर सुधारा जाए। जब आपने पहले ये तर्क दिया जाता था कि आपकी क्वालिफिकेशन 12th है, तो हमने जब सरकार से पिछला आंदोलन किया हमने क्वालिफिकेशन हमारी ग्रेजुएशन करा दी, जब ग्रेजुएट एक पटवारी लग रहा है तो उसके सम्मान के हिसाब से उसके ग्रेड पे भी बढ़ा जाए, उसकी सैलरी भी दी जाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से पटवारी अपने यहाँ पर आंदोलन जारी रख रहे हैं, पहले संभाग वाइज यहाँ पे आंदोलन हो रहा था, अब यहाँ पर जिला वाइज आंदोलन किया जा रहा है और सभी की एक ही मांग है 3600 ग्रेड पे और 3 सूत्री मांगों को उनकी माना जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे पटवारी यहाँ पर बैठे हैं लगातार, जो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम महिलाएं भी देख रहे हैं, वहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं से जानते हैं कि वो इस कड़कती धूप में बैठी हैं और क्या उनका यहाँ पे बैठने का क्या नजरिया है। हमारी 15 फरवरी से हमारा कंटिन्यू यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार से कई बार वार्ता भी हुई है बीच में, लेकिन सरकार जो हमारी मांग है वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है, लेकिन विश्वास है पूरा कि जब हमारी मांग जरूर पूरी होगी और तब तक हम आंदोलन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। 15 तारीख को हमारी पैदल यात्रा यहाँ पर आई थी, हम विधानसभा घेराव के लिए हमें विधानसभा में नहीं जाने दिया गया, उस दिन से हम कंटिन्यू यहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे घर पर अकेले रहते हैं, दोनों के एग्जाम हैं आज हम, और मुझे यहाँ आना है क्योंकि पटवार संघ के अंदर हमें अपना जो सहयोग है वो देना ही होता है। तो देखा आपने यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो बहुत परेशान हो रही है, कुछ अपने बच्चों को साथ लेकर आई है तो कुछ अपने घर पे अपने बच्चों को छोड़कर आई है और यहाँ पर आंदोलन में अपना पूरा सहयोग दे रही है। तो आगे देखना ही होगा कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं और ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन श्री राम के साथ स्फूर्ति सिंह की रिपोर्ट।